उधर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यूपी में पोस्टर वॉर की राजनीति शुरू हो गई है। यूपी के मेरठ और मुजफ्फरनगर स्ट्राइक का क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। वहीं मेरठ में समाजवादी पार्टी का अजीबोगरीब बैनर सामने आया है। बैनर पर यह लिखा हुआ है कि सर्जिकल स्ट्राइक मुलायम सिंह के कहने पर हुई थी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सेना ने भी ये नहीं सोचा होगा कि उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। यूपी के चुनाव में कहीं सत्ता हाथ से ना खिसक जाए, इसलिए कई राजनीतिक दल पोस्टर के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक पर अपना दांव ठोक रहे हैं। जिन नेताओं ने कभी भारत पाकिस्तान की सीमा तक नहीं देखी, वो आज सर्जिकल स्ट्राइक पर अपना दावा कर रहे हैं। यूपी में पोस्टर वॉर कुछ इस कदर शुरू हुआ कि देखते ही देखते चौराहों पर पोस्टर लगाकर नेताओं को सर्जिकल स्ट्राइक की बधाई दी जाने लगी। सबसे पहले ये पोस्टर मुजफ्फरनगर के चौराहे पर लगाया गया, जिसमें पीएम मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक की बधाई दी गई। पोस्टर पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ लिखा था कि हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। इस डायलॉग के साथ स्थानीय नेताओं की भी तस्वीर इस बैनर पर लगी हुई है। भारत के नौजवानों ने उस दुर्घटना का बदला लेते हुए पाकिस्तान के 38 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है, तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक पर अपना दावा करे तो ठीक भी है, लेकिन मेरठ में समाजवादी पार्टी का एक अजीबोगरीब पोस्टर सामने आ गया। इस पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक पर अपना दावा ठोक रही है। पोस्टर पर मुलायम सिंह की तस्वीर के साथ लिखा गया कि सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला मुलायम सिंह के कहने पर लिया गया है। पोस्टर में मुलायम सिंह को बधाई भी दी गई है। मैंने उसमें ये लिखा हुआ है, क्योंकि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की बात हुई थी मोदी जी से, तो नेताजी ने कहा था कि आप पाकिस्तान पर सर्जिकल अटैक कीजिए, हम पूरी तरह से भारत सरकार के साथ हैं देश के मुद्दे पर। अब भले ही ये बात आपको अटपटी जरूर लगे, लेकिन इस तरह के बैनर यूपी के कई जिलों में लगाए गए हैं। नेताजी की सलाह बहुत मायने रखती है, वो पूर्व रक्षा मंत्री हैं और भारतीय राजनीति के बहुत बड़े नेता हैं, तो निश्चित तौर पर उससे केंद्र सरकार ने कदम उठाया है। यूपी के चुनाव सर पर है, कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा बीजेपी उठा ले, इसलिए अब इस तरह के बेतुके बैनर यूपी के कई शहरों में टांग दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।